आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Define lattice energy and what factors does it depend? How does it help to predict the stability of the ionic compounds formed? तो अगर हम बात करते हैं lattice energy की, तो lattice energy को आप define कैसे करोगे? सबसे पहले तो lattice energy की बात कर रहे हैं, तो lattice energy है क्या? It is actually the heat of formation for the ions of opposite charge in gas phase to combine into an ionic solid. To combine into an ionic solid. ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जो है ना, वो क्या है कि कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को किसी गैस फेज में कंबाइन करके एक आयनिक सॉलिड बनाने के लिए। ठीक है, अब आपकी जो लैटिस एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो ये फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगला है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड से इसका कैसे रिलेशन है, कि स्टेबिलिटी से क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिस एनर्जी ओनली। ठीक है, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी, अगर हाई नेगेटिव लैटिस एनर्जी की वैल्यू है, इसका मतलब है आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सो मोर नेगेटिव इज द लैटिस एनर्जी, मोर इज दिस कंपाउंड, मोर इज आयनिक कंपाउंड स्टेबल। तो ये आपका रिलेशनशिप है। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।